मैं हूं कंचन अवस्थी और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सालों से चली आ रही बालों में रूसी यानी डैंड्रफ की समस्या को कुछ घरेलू उपायों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। रूसी यानी डैंड्रफ कुछ नहीं, आपके सर की डेड स्किन है। आज हम बात करते हैं रूसी के प्रकार की। रूसी दो प्रकार की होती है, सूखी और तैलीय। सूखी रूसी से आपके सर में खुश्की बढ़ जाती है और इससे आपके बालों में खुजली होने लगती है। अगर सही समय पर सही उपचार ना किया जाए तो इससे हमारे पोर्स यानी रोमकूप बंद हो जाते हैं और उससे सर पे घाव तक हो जाते हैं। इससे क्या होता है, घाव के बाद बदबू आना शुरू हो जाती है। सिर्फ महिलाओं की ही प्रॉब्लम नहीं है, देखा जाए तो पुरुषों में भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। ये प्रॉब्लम तो ऐसी है कि समान रूप से दोनों लोगों में पाई जाती है। इसकी रोकथाम जल्द से जल्द करनी चाहिए, नहीं तो आपके बाल बहुत तेजी से झड़ने लगते हैं। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपको नियमित रूप से सप्ताह में कम से कम 4 बार अपने सर को अवश्य धोना चाहिए। अपने कंघे और ब्रश को एकदम साफ रखें और अलग रखें, किसी दूसरे को इस्तेमाल ना करने दें। इसी तरह से अपने तौलिया को भी अलग रखें और किसी को यूज ना करने दें। सही और बैलेंस्ड डाइट लें, जिससे शरीर में टॉक्सिन्स ना बनने पाए, और दूसरों के इस्तेमाल की हुई चीजों का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि कंघे, ब्रश, तौलिया इत्यादि। सप्ताह में 2 बार अपने सर पर हॉट ऑयल मसाज लें और गर्म तौलियों को सर पर बांधें। इससे बालों को तो पोषण मिलेगा ही, साथ ही साथ आपके स्कैल्प भी ड्राई नहीं होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कुछ घरेलू उपाय जिससे आप घर पर ही रहकर रूसी यानी डैंड्रफ का घरेलू उपचार कर सकते हैं। पानी में नींबू का रस मिलाकर हल्के हाथों से खोपड़ी यानी स्कैल्प पे मसाज करें और थोड़ी देर में धो लें। इससे रूसी से काफी हद तक आराम मिलेगा। 3 भाग ऑलिव ऑयल और 1 भाग शहद को लेकर अपने बालों की जड़ों में लगाएं और गर्म तौलिए से लपेट लें। ऐसा नियमित रूप से करने से आपकी रूसी यानी डैंड्रफ काफी हद तक कम हो जाएगा। नारियल के तेल में 4% कपूर मिलाकर रख लें और अपने बालों को अच्छे से धोकर सुखा लें। फिर इस तेल को हल्के हाथों से स्कैल्प पर मसाज करें। आप देखेंगे कि आपको रूसी की समस्या से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। आंवला, रीठा और शिकाकाई तीनों को एक साथ भिगो दें और इसके पानी से अपने बालों को धोएं। बहुत ही जल्दी आप रूसी की समस्या से छुटकारा पा जाएंगे। दही या मट्ठा, इससे भी आप अपने बालों को धो सकते हैं अगर आपके बालों में रूसी या डैंड्रफ की समस्या है तो। और साथ ही साथ सरसों के तेल में नींबू का रस मिलाकर या फिर सिरके में बहुत सारा पानी मिलाकर आप हल्के हाथों से अपने सर के स्कैल्प पर इसको मसाज करें और 2 घंटे बाद धो लें। इससे आपको रूसी की समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिलता है। मेथी के दानों को रात भर भिगो दें, अगले दिन इसको पीसकर मेथी का पेस्ट बना लें और अपने बालों में लगाएं। 1/2 घंटे बाद धो लें। इससे रूसी की समस्या से तो छुटकारा मिलता ही है, साथ ही साथ आपके बाल और भी खूबसूरत हो जाते हैं। 1 अंडे की सफेदी में 1 नींबू का रस मिलाकर इसे बालों में 1/2 घंटे तक लगाएं और हल्के पानी से धो लें। और बाद में सिरके को पानी में मिलाकर बालों को धोने से काफी लाभ होता है। ये ऐसे कुछ छोटे पर हाँ असरदार उपाय हैं जो आप अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी पार्लर में जाने की और अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये घरेलू उपचार करके खुद ही अपने बालों की रूसी को जड़ से मिटा सकते हैं। एक बात का हमें हमेशा ख्याल रखना है जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमें साफ खाना है, संतुलित खाना है और अच्छा खाना है। इससे आप हर बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों, डैंड्रफ पर हमारा ये स्पेशल वीडियो यही समाप्त होता है। इसी तरह के घरेलू नुस्खे जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। आज हम आपको बताएंगे कि गंजेपन से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। गंजेपन की समस्या पहले एक उम्र के बड़े पड़ाव पर देखी जाती थी, लेकिन आज ये समस्या कॉमन हो गई।